तो गाइस यहां से आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। सरप्राइज यही था, आप देख सकते हैं। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में बहुत ही झकास एंड फैंटास्टिक होने वाला है, क्योंकि आप लोग को मैं आप लेकर के आ गया हूँ कुछ हर मंदिर में और बहुत ही ज़्यादा दूर है। स्टार्टिंग से वीडियोज नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था और भी बहुत ज़्यादा मतलब कि शोर चरा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आता वीडियोज़ में, जिसकी वजह से मैंने आगे नहीं बढ़ा। मैं देखो उस नीचे से ऊपर आया हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए, ताकि वीडियोज़ में कुछ क्वालिटी आए और जो नॉइज़ वगैरह है, क्योंकि बाहर मतलब नीचे में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गाड़ी चल रहा है ना। अब देख सकते हो कितना नीचे से मैं आया हूँ, थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ और आपको पूरा इस वीडियोज़ में बने रही और आपको पूरा नज़ारा दिखाने वाला हूँ, कैसा है टेम्पल कैसा नहीं, ये सब पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले मैं चहक जाता हूँ, नहीं तो इधर ही पहले रह जाऊँगा। तो चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं क्या कैसा है मंदिर, क्या है क्या नहीं, पूरा ए टू जेड। फाइनली अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं और गाइस यहां पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से नज़ारा आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। आ चुके हैं और गाइस इस जो मंदिर है यहाँ पे ये वाला मैं फ़ोटो और मतलब रिकॉर्डिंग करना मना है और फ़ोटो क्लिक करना भी मना है, तो इसीलिए मैंने फ़ोन को अंदर बस थोड़ा सा स्टार्टिंग किया था। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पूरा स्पेस भरा है, पूरा आप देख सकते हैं पूरी मतलब कि ऊपर में और एक दो मंदिर है, मेन मंदिर यही है जिसमें फ़ोटो क्लिक करना मना है, पूरा लिखा गया साफ साफ से। मतलब तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती क्लिक कर सकता था, क्योंकि मतलब ज़बरदस्ती क्या होता है, मतलब क्लिक कर सकता था किसी को पता नहीं चलता, लेकिन अपने से क्या फर्ज बनता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप से नज़ारा आपको देखने के लिए, इस कुछ फ्लोर आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यहाँ से आराम से मतलब कि कुछ समय तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी रहता है। और गाइस अगर मैं ऊपर से आप लोग को नज़ारा दिखाऊँ तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। वो नीचे मुझे लग रहा है कि जो छोटा वाला पिकअप होता है ना, वो उसी का शोरूम है और वहाँ पर कार वगैरह का शोरूम है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो ऊपर से बिल्डिंग्स कैसा आपको दिख रहा है, तो गाइस इस टाइप से आपको नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है भाई। बहुत ही मतलब मंदिर में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो और या बहुत ज़्यादा टेंशन हो, तो एक बार आप कोई भी ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पर आओ, आप कोई भी मंदिर पे आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं और आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और गाइज आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और शायद आवाज़ आपको ज़्यादा जा रहा होगा क्योंकि
गाइज फाइनली हम लोग ऊपर से आ चुके हैं और ये थोड़ा सा डाउन फ्लोर पे है, ज़्यादा भी नहीं लेकिन बस नीचे टाइप में है मंदिर। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको नज़र आ रहा है। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा सा डिप्रेशन भी था मैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सैड वैड भी था, तो मैं सोचा कि चलो कहीं से घूम करके आते हैं। और फिर एक दोस्त बताया कि एक मंदिर है और गाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो गाइज इस टाइप से आपको देखने के लिए, देखिए आप मैं वहाँ से ऊपर से आया, वहाँ से इस नीचे से देखिए जहाँ से बाइक को जा रहा है ऊपर से, और ऊपर से नीचे ये करके नीचे 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 नीचे, और गाइज ये देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ कुछ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सामने लेकर के जाता हूँ। और गाइज यहाँ पे भी आप देख सकते हो शहीद स्मारक है ये, तो कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज़ देखा, अभी मतलब कि 15 अगस्त था तो यहाँ पे सारे जगह पे एकदम मतलब कि झंडा, मतलब अपने अपने तरीके के झंडा, जितना जैसा मतलब कि हर एक गाड़ी पर, तो मतलब कि इस एरिया में मैं देखा यही चीज़ को। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम भी पढ़ सकते हैं। तो गाइज कैसा लगा आप देख सकते हो, यहाँ पूरा इनका पुण्य स्मृति आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ देख सकते हो वीर चक्र से भी विजेता हैं 1971 में, तो इस टाइप से आपको गाइस देखने के लिए मिल जा रहा है। इस जगह पे एक बार आकर के ज़रूर विजिट कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और पहाड़ पे मतलब कि ज़्यादा ऊंचा तो नहीं लेकिन फिर भी हाँ अच्छा खासा ऊंचा पे भी बसा हुआ है। और गाइस मुझे लगता है कि इधर शादी वादी भी यहाँ पे होता है क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ कमरे वमरे हैं, तो मुझे लगता है या कोई किसी को मतलब कि लेट हो गया या रुकने का जगह नहीं मिला, तो उसके वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे होगा। लेकिन मतलब अच्छा खासा है, मेरे को अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मतलब कि जो मस्त वाला फीलिंग होता है ना वो आया भाई। और पहाड़ से जो नीचे देखने का नज़ारा जो मैं पिछले मतलब वीडियोज़ में पहले ही मैं आपको दिखा दिया, वो चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, जो कि बहुत खूबसूरत यहाँ से नज़ारा देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस मंदिर में किसको सुकून नहीं मिलता है, सारे लोगों को मंदिर में सुकून मिलता ही है। तो भाई आप एक बार आकर के देखो। और भाई पहाड़ में मतलब कि बहुत ही मज़ा आता है पहाड़ पर चढ़ने के बाद, तो एक तरीके से मतलब कि मानो तो ज़्यादा ऊँचा फिर तो नहीं लेकिन फिर भी ऊँचा पर ही बसा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊँचा पर ही मंदिर को बनाया गया है और इस पर अभी काम वाम चल ही रहा है, थोड़ा सा डेवलप कर किया जा रहा है, इसको और भी बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है लोग सारे लोग। और मतलब अभी तो खास भीड़ नहीं है क्योंकि सीज़न आता है ना, तो उस समय थोड़ा भीड़ रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग सुबह में ही आ गए, बहुत ज़्यादा सुबह में आ गए हैं। और भाई कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे आना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कुछ भी, अगर आपको डाउट हो मंदिर के बारे में, रास्ता कैसे आया जाता है, क्या क्या है, तो सारा कुछ मैं बता सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं एट अ टाइम रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए ब्लॉग को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर भी मंदिर है जो कि यहाँ पर आपको साईं बाबा का देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मतलब कि नीचे डाउन फ्लोर पे है, लेकिन ज़्यादा डाउन फ्लोर पे नहीं लेकिन फिर भी मतलब कि ज़्यादा नीचे नहीं लेकिन नीचे में ही है। तो गाइस कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे अंदर जाने के लिए वो अलाउड नहीं है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आपको उतना साफ नहीं दिख रहा, नज़दीक आओगे पूरा नज़दीक शायद कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन फिर भी। तो गाइस कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो और भी एक चीज़, सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कुछ ज़्यादा ही फेस पे लाइट आने लगा, कुछ ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, कुछ ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा आप लोग के लिए सरप्राइज़, ये देख सकते हो यहाँ पे है। तो चलो मैं फ्रंट से आपको दिखाता हूँ कि कैसा है, किस प्रकार से है। तो चलिए मैं पूरी तरीके से मैं दिखाने वाला हूँ, उस पर काम चल ही रहा है, इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो यही सबसे बड़ा आप लोग को सरप्राइज़ था। तो ये देख सकते हैं गणेश भगवान का, यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी तो इसमें कुछ काम वाम चल ही रहा है लेकिन फिर भी क्या होता है धूप ऊप की वजह से मुझे लग रहा है कलर में कुछ पेंटिंग हो ही रहा है शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है, अभी मुझे कन्फर्म तो पता नहीं है। ये देख सकते हैं पतंग उड़ा रहे हैं इतने बड़े होकर के, चलो कोई ना। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको नज़ारा देखने के लिए मिल जाता है। तो ये ज़बरदस्त लगा मुझे, इस टाइप से आप देख सकते हो, मैं दिखा दिया, अभी इस पर काम चल ही रहा है, सरप्राइज़ यही था। आप देख सकते हैं पीछे में गणेश जी का बहुत ही बड़ा मतलब यहाँ पे मूर्ति है, अभी इस पर काम चल रहा है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ कुछ समय में हो जाएगा क्योंकि अभी पूरा देख सकते हैं सेल्टिंग वेल्टिंग सारा चीज़ अभी लगाया गया है। तो गाइस कुछ टाइप इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान है। और गाइस यहाँ पे आपको कुछ बच्चे बच्चे भी अगर आपके साथ आते हैं तो उनके लिए खेलने के लिए भी यहाँ पे कुछ प्ले ग्राउंड टाइप का बनाया गया है। और गाइस इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये ज़बरदस्त देखने के लिए लग रहा है आपको। तो गाइस एक यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी एक मंदिर है। तो गाइस यहाँ पे भी मैं आपको नज़दीक ले जा कर के दिखाऊँ, तो यहाँ कृष्ण भगवान जी का है ये भी मंदिर, जो कि अच्छा लगा, बैक है ये भी, ये देख सकते हैं।
गाइस आप लोग के लिए सरप्राइज, मैं ही खुद सरप्राइज हो गया था गाइस, ये देख सकते हो गजब भाई। मतलब कि आपको तो कैमरे में बहुत ही छोटा दिख रहा होगा, बट यहाँ पे अगर आप सामने से देखते हो तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा और अच्छा खासा, मतलब कि देखने में भाई मज़ेदार एंड फैंटास्टिक लग रहा है। तो गाइज मैं तो खुद सरप्राइज हो गया था, मैं मेरे को गणेश जी के बारे में ही पता था, तो गणेश जी के पास से जब इधर आ रहा था ना तो वहाँ से तिरछी होकर के उस टाइप से वहाँ से मेरे को दिखा, और गाइज मैंने सोचा कि चलो मैं एक सरप्राइज हुआ तो आप लोग के लिए सरप्राइज लेकर के आ ही जाता हूँ। तो गाइज इस ब्लॉग को आप लोग कंटिन्यू कीजिए और आपको पूरा आपको देखने के लिए मिला होगा। और गाइज आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको मतलब आने का, या अगर आप आना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके रास्ता भी बता सकता हूँ। तो यहाँ पे आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। तो गाइस इस टाइप से आप देख सकते हो भाई गजब। चलो मैं आपको बैक कैमरा से करके दिखाता हूँ। गाइस ये देख सकते हो पहाड़ पे पूरी तरीके से मस्त तरीके से पूरा बनाया गया, पूरा पहाड़ को डिजाइन कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फ्रंट से आपको दिखा दिया, बैक से मैं आपको दिखाऊं, एकदम ज़बरदस्त भाई। बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा ही होगा। और गाइस मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जा रहा है भाई, ज़बरदस्त लग रहा है। जो भीड़ी से नज़ारा है, यानी कि जो नज़दीक से अगर आप देखते हो तो बहुत ही छकास एंड फैंटास्टिक आपको देखने के लिए मिल जाता है गाइस। इस टाइप से आप देख सकते हो, अब तो पीछे स्पेस नहीं है लेकिन फिर भी गाइस यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल रहा है भाई गजब। शंकर जी तो भाई रियलिस्टिक एकदम ज़बरदस्त लग रहे हैं भाई, सीरियसली गजब का। यहाँ पे लोग कैसा लग रहा है, अगर आपको मतलब कि वीडियोस देख करके ही मज़ा आ रहा है तो भाई एक बार आप ज़रूर आना यहाँ पे, और भाई मस्त एंड फैंटास्टिक गाइज आपको लगेगा। और गाइज बहुत ही ज़बरदस्त भाई, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और भाई सामने से शंकर जी को देखने का मतलब कि बहुत ही मतलब कि मज़ा आ गया भाई, मज़ा जैसे मतलब रियल में होते हैं ना, जैसे मूवी वूवी भी देखते हो कि मतलब शंकर जी से मैं मुलाकात कर सकता हूँ या कैसे, वैसे मतलब कि सीरियसली जो होता है ना वैसा लग रहा है भाई नज़दीक से देखने के बाद, तो भाई ज़बरदस्त फैंटास्टिक। Six for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I kept it at the waist. Pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know is ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Now I'm breaking bread with my young Betty Wiz. सरप्राइज हो गया था, तो आप लोगों को कैसा लगा? यहाँ पे एक यहाँ पे सबसे बड़ा बड़ा आपको देखने के लिए मिल जाएगा मूर्ति गणेश जी का और एक शंकर भगवान का। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा, आप भी देखना चाहते हो, जैसे कि वहाँ पे कहाँ पे था वो, कहाँ पे खाजा कहाँ पे ज़्यादा मिलता है मस्त वाला, जहाँ गौतम बुद्ध भगवान का ये है, बोधगया में जैसे गौतम बुद्ध भगवान का मूर्ति है, तो उसी टाइप से आप देख सकते हैं कैसा, आप मतलब उनसे तो छोटा है बट फिर भी ज़बरदस्त भाई। आने के बाद मतलब जो नज़दीक से देखने का मज़ा है ना भाई गजब लेवल का है। तो गाइज आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो ब्लॉग को अभी यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि अब शायद बाहर मैं अब नीचे उतरने वाला हूँ तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आएगा और हवा भी चल रहा है ना, तो आप लोग को आवाज़ भी नहीं सुनाई देगा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी अगर आप रास्ता भी पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मिल गया है डिस्क्रिप्शन में, या इस इंस्टाग्राम पे आईडी पर आप क्या कर सकते हो कि मैसेज करके मेरे से बातचीत कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करो। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।